Hey guys, good morning. I welcome you all to Examshala. My name is Swatan Gupta and I'm your educator. So, आज का वीडियो आ चुका है आपके सामने. वीडियो को पूरा देखिएगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाइएगा, वरना जैसे आप हजारों वीडियो देख के टाइम वेस्ट कर रहे हो, वैसे इस वीडियो को भी देख के टाइम वेस्ट करोगे. वीडियो जरूर पसंद आएगा, फॉलो करिए, लाइक करिए, और इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उसे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा. तो ये क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, अटेम्प्ट करिए और जरूर आंसर दीजिएगा, बाकी मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा सही है या गलत. तो नवंबर 2019 में जारी एटीपी रैंकिंग में राफेल नडाल की रैंक क्या है? 1, 2, 3, 4. कमेंट सेक्शन में इसे अटेम्प्ट करिए. जब तक हम नए क्वेश्चन में आते हैं, और आज का पहला क्वेश्चन रहा ये, डीआरडीओ इग्नाइट कॉम्प्लेक्स वॉज इनॉग्रेटेड इन. तो डीआरडीओ इग्नाइट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया था कहाँ पे? हैदराबाद, चेन्नई, पुणे या न्यू दिल्ली? और देखिए सही जवाब क्या होगा. देखिए इसका सही जवाब है पुणे. ठीक है, पुणे में किया गया था. तो हमारे राज्यसभा मंत्री हैं श्रीपद नायक. ठीक है, श्रीपद नायक जी हैं, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था. पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है. दूसरा, ये पुणे में भी कहाँ किया गया था? तो ये पुणे में किया गया था, हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी. ठीक है, हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी ये पुणे में किया गया था. तो इसे HEMRL के नाम से भी जाना जाता है. तो इन बातों को ध्यान दीजिएगा. बाकी हैदराबाद से रिलेटेड अभी परसों ही मैंने क्वेश्चन दिया था, क्रिएटिव सिटी फॉर गैस्ट्रोनॉमी, तो हैदराबाद में उसका नाम आया था. ठीक है, ये बातें ध्यान देनी है. और चलिए आगे आते हैं, और ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन. मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE लॉन्च द स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म इन कोलैबोरेशन विद. तो किसके कोलैबोरेशन से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कौशल निर्माण मंच का शुभारंभ किया है? ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शन है, और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो कहीं ना कहीं ये चारों कंपनी इंडिया को लेकर के न्यूज में रहती हैं. तो जैसे सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, गूगल हो गया, IBM हो गया. तो ऑफकोर्स इसका सही जवाब है IBM. ठीक है, तो IBM के साथ कोलैबोरेशन किया गया है. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए IBM की फुल फॉर्म क्या है. ठीक है, जब तक मैं थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ आपको इससे रिलेटेड, और ये जरूर काम आएगी. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है. अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं करंट अफेयर का या GS का, और आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं, तो बेकार है, फिर आप फिर रट रहे हैं. तो जैसे IBM के साथ कोलैबोरेशन हुआ है, तो इस कोलैबोरेशन के माध्यम से 2 साल का प्रोग्राम चलाया जाएगा, और डिप्लोमा मिलेगा इसमें IT में, नेटवर्किंग में, क्लाउड कंप्यूटिंग में. ठीक है, और ये IBM के साथ IBM ऑफर करेगा. ठीक है, और इसके अलावा ये ITI और NSTI फैकल्टी को भी ट्रेन करेगा. तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान देना है. ठीक है, क्लियर हो गई बात. तो चलिए आगे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, अटेम्प्ट जरूर कर लीजिएगा, बिना अटेम्प्ट करने कोई फायदा नहीं. आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप गलती नहीं कर रहे ना तो कुछ नहीं होने वाला. गलती करो, मैं तो कहता हूँ 80-90 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करो. जब करोगे तो 2 काम होंगे, एक तो या तो पूरी तरीके से मन हट जाएगा तुम्हारा, क्योंकि बिना मन के करने का भी कोई फायदा नहीं है, और या तो फिर तुम्हें हो जाएगा कि नहीं यार अब तो मतलब करना ही है. तो वो वाला पॉइंट अगर आ गया तो फिर चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं. क्वेश्चन आपके सामने, किस शहर के छात्रों ने सबसे अधिक खगोल भौतिकी इकट्ठा होकर के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? द स्टूडेंट ऑफ विच सिटी हैज क्रिएटेड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड विद लार्जेस्ट एस्ट्रोफिजिक्स असेंबल. इसमें चार ऑप्शन है आपके सामने, कोलकाता, मैसूर, पुणे और पहली. पुणे का आपको ऑप्शन नहीं है इसमें, बता देना चाहता हूँ. ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है कोलकाता. ठीक है, याद रखिएगा इस बात को. अच्छा, मुझे अब छोटी सी बात बताइए, मैं चाहूँगा इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. GI Tech के बारे में आपने सुना होगा, जियोलॉजिकल इंडिकेटर. तो GI कोलकाता को क्या मिला है? कोई सा केस भी हुआ था, मैं चाहूँगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. शायद रसगुल्ला को लेकर के थोड़ा विवाद हो गया था, तो बताइए मुझे वो कौन सा विवाद था. अटेम्प्ट करिए, थोड़ी पुरानी न्यूज़ है, लगभग 3-4 महीने पुरानी न्यूज़ है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप मुझे बताएं. ठीक है, पुणे के बारे में हमने अभी देख लिया, न्यू दिल्ली में भी अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जो हमने कल डिस्कस करी. ठीक है, तो चलिए हम आगे आते हैं. वैसे एक बात और यहाँ से बताता हूँ, अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हो या नज़र रखते हो, सोशल मीडिया पे भी पेज वगैरह लाइक करो, तो आप देखेंगे कोलकाता, पुणे, दिल्ली, देन उसके बाद मुंबई, फिर आंध्र प्रदेश अगर स्टेट्स की बात कर लूँ, उसके बाद महाराष्ट्र, UP, बिहार, झारखंड, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा न्यूज़ में आजकल, तो मतलब कहीं ना कहीं इनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बन रही है. तो इन चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, अगर आप ऐसे नज़र रखते जाते हैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन पकड़ना आसान हो जाता है. ठीक है,
देखिए कोई भगवान नहीं है, लेकिन होता क्या है, जैसे हम लोग रीड करते हैं तो नजर में रखते हैं सबसे ज्यादा न्यूज में क्या चल रहा है, तो उस पर ज्यादा फोकस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं। द फर्स्ट एवर बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्क्लेव विल बी हेल्ड एट, ठीक है, तो सबसे पहली बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्क्लेव कहाँ पे होगी, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चार ऑप्शन है आपके सामने, कोचीन, विशाखापट्टनम, हैदराबाद और चेन्नई। तो इसका सही जवाब है विशाखापट्टनम। सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो है शिपिंग की, उसके जो मिनिस्टर हैं श्री मनसुख मांडविया, तो वो इसको इनॉग्रेट करेंगे, ठीक है, बिम्स्टेक पोर्ट को, और ये विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, तो इसका सही जवाब भी है विशाखापट्टनम कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में वहाँ पे होगा। अब ये जो कॉन्क्लेव है ये 2 दिन चलेगा, तो कल स्टार्ट हो गया था और आज चलेगा, मतलब 7 और 8 नवंबर को, ठीक है, इस बात को थोड़ा सा याद रखना है। अच्छा अब मुझे थोड़ा सा आप बिम्स्टेक के बारे में बताएंगे, चलिए मैं ही बता देता हूँ तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए बिम्स्टेक क्या है, सो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक की ये फुल फॉर्म हो गई। मैं दोबारा बोल देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 नेशन है साउथ एशिया के एंड साउथ ईस्ट एशिया के, ठीक है। चलिए अब बेसिकली कौन कौन से हैं देख लेते हैं, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान, तो ये मिलकर के इसका निर्माण करते हैं। अब ज़्यादातर ये जो काम करता है इसके कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको लेकर के करता है, जैसे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर के इनमें काम किया जाता है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन हो गया, एनर्जी हो गई, टूरिज्म हो गया, टेक्नोलॉजी, फिशिंग, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल डिजास्टर मैनेजमेंट, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, कल्चरल कोऑपरेशन, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें से टूरिज्म हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गया, आजकल ये काफ़ी कॉमन हो चुके हैं सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, अब छोटी सी इन्फॉर्मेशन और ये कि भाई बिम्स्टेक इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 6 जून 1997 को, ठीक है, तो लगभग 22 साल हो चुके हैं इसको। इज दैट अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, तो कौन सा राज्य प्रदूषण की जांच से 15 साल से अधिक पुराने राज्य के स्वामित्व वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा रहा है, बताइए। बहुत वैसे अगर ज्यादातर लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को एक नजर में तो वो टिक कर देंगे दिल्ली को, जबकि दिल्ली नहीं है वो बिहार है, ठीक है, एक स्टैटिक पार्ट है याद रखिएगा। तो वहाँ के कमेटी ने ये किया है कि भाई अगर 15 साल से पुराना वाहन है तो उसको बैन कर दो, वो यूज में नहीं आएगा। देखिए बहुत अच्छा कदम है, लेकिन अप्लाई हो जाए तो अच्छी बात है, बाकी देखते हैं काफी ज्यादा लोग इसको करते रहते हैं। चलिए आगे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6, वैसे थोड़ा स्टैटिक पार्ट ही आ गया, ज्यादा डिस्कशन वाली न्यूज नहीं है। हु वन द मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2019, तो मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2019 किसने जीता, तो ये जीता ली सियोल किम इन या जीन यी ओजबोत, सारा डैम जोनोविक एंड हनी टाइनमिया। देखिए ये सारे सारे अलग देश के नाम है, हो सकता है मैं इनको इनका प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप इनको ऐसे बोल सकते हो क्योंकि इंग्लिश नेम नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, सारा डैम जोनोविक, ओके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ जो मुझे मिली थोड़ी सर्च करने के बाद, वो ये है कि लियोसोल किम ऑफ कोरिया एंड जीन यी ओजबोत फ्रॉम फिलीपींस, पहले तो इन दोनों की जगह को याद कर लो, ठीक है, तो हमारी कोरिया से कौन है, ली सियोल जो ऑप्शन में भी हैं ये कोरिया से हैं, और जी पियर ये ओजबोत से हैं, जीन भी ओजबोत फ्रॉम ये फिलीपींस हैं, सॉरी ओजबोत उनका सरनेम है। वर अवॉर्डेड द मिस एशिया ग्लोबल फर्स्ट एंड मिस एशिया ग्लोबल सेकेंड रनर अप टाइटल रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है भाई पहला तो सबको पता है दूसरा बताओ, दूसरे को कोई नहीं याद रखता, फिर ये बातें आ जाती हैं। तो चलिए आगे आते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियन पवेलियन दैट इज हेल्ड एट वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट WTM, ठीक है, तो थीम क्या है वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट की, तो इसका आंसर तो बहुत आसान है, वो है आपका इनक्रेडिबल इंडिया, आपका पहला ऑप्शन है, ठीक है। अब ये वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट कहाँ पे है, तो भाई ये 4 नवंबर से स्टार्ट हुई थी लंदन, और लंदन का है UK में, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि जो इंडियन डेलीगेशन है वहाँ पे, मतलब जो इंडिया का ग्रुप गया है, तो उसको वहाँ पे लीड कौन कर रहा है, तो सर उसको लीड कर रहे हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म श्री योगेंद्र त्रिपाठी, ठीक है, तो योगेंद्र त्रिपाठी जी, और जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल है टूरिज्म के रूपिंदर ब्रार, ओके, रूपिंदर ब्रार, ये
इसको लीड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर थोड़ी सी इंडियन पेविलियन के बारे में यहाँ पे बात कर ली जाए, तो यहाँ पे जॉइंटली इनागोरेट किया गया इंडियन इंडियन पवेलियन एट WTM 2019 वॉज जॉइंटली इनागोरेटेड बाई सेक्रेटरी एंड हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द UK मिस रुचि घनश्याम ऑन 4 नवंबर 2019, ठीक है। तो थोड़ा सा डेट याद रखिएगा, इसकी थीम मैंने आपको बताई दी है क्या है। और इसमें जो पार्टिसिपेशन है, इसमें 32 स्टेक होल्डर्स हैं, इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, IRCTC जो इंडियन टूरिज्म है, जो मेरी ट्रेन की वेबसाइट है, फिर एयर इंडिया, वेलनेस रिजॉर्ट, टूर कोऑपरेशन और पार्टिसिपेटिंग इन इंडियन पवेलियन। तो इंडियन पवेलियन में ये सारे लोग हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन इसके लिए सफिशियंट रहेगी, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे थोड़ा बात कर लीजिए, तो नंबर ऑफ कंट्रीज़ की बात करी जाए, तो लगभग इसमें 182 कंट्रीज़ हैं और इसमें लगभग 5,000 जो एग्जिबिटर्स हैं उसको ये अट्रैक्ट कर रही है ये वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट। तो दुनिया भर से लोग इसमें आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क बनाने की बात है, नेगोशिएशंस भी होंगे और डिफरेंट इंडस्ट्रीज के ओपिनियंस को लेकर के भी बढ़ने को लेकर के बातें होंगी, ठीक है। तो इसका ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये मोटिव। क्वेश्चन नंबर 8 रहा, वेयर डिड वाइस प्रेसिडेंट मिस वेंकैया नायडू रिलीज अ मोनोग्राफ म्यूजिकल एक्सीलेंस मीटिंग नाम। अभी हमने कल ही एक चार्ट की बात करी थी भाई, वो किसने किया था, वेस्टलैंड की। अब यहाँ पे बात आ गई, तो वेयर डिड वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू रिलीज मोनोग्राफ, कहाँ पे किया, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। और अभी 2-3 दिन पहले भी ये न्यूज आ रही थी यहाँ पे, जहाँ पे हमारी अंजिला मॉर्केल है, मतलब हमारी नई जर्मनी की है, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट करने की बात करी है बस सर्विस को लेकर के, ठीक है। और टोटल वो 1.2 बिलियन यूरोज को इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी याद रखनी है। चलिए आगे आते हैं, और आज का 9वां क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, सो व्हाट इज द रैंक ऑफ राफेल नडाल ATP रैंकिंग रिलीज इन नवंबर 2019। तो सर जी की जो रैंक है वो है नंबर 1। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि भाई ATP की फुल फॉर्म क्या है और राफेल नडाल ने इस साल कितने अवार्ड जीते हैं, या मैं बात करूँ कितने कॉम्पिटिशन जीते हैं। तो फर्स्ट रैंक की बात कर ली जाए, तो सर जी फर्स्ट रैंक है आपकी राफेल नडाल, सेकेंड है डीजे कोविक एंड थर्ड है रोजर फेडरर, ठीक है। तो ये नाम याद रख लीजिएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पूछ लेता है, थर्ड तक इम्पोर्टेंट भी होता है। उसके बाद कैराट 2019, कुछ लोग इसे कैरेट भी बोल सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैराट 2019 इज द बिगेस्ट नोवल एक्सरसाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये किसके बीच होती है, तो भाई इंडिया का नाम इसमें नहीं है तो वो मत करना, इसमें जो नाम है यूनाइटेड स्टेट्स और बांग्लादेश का है, ठीक है, इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। और इसी के साथ आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे।